प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर करवाने थाने पहुंचे हिंदू संगठन। खनिया थाना नगर के कुछ उपद्रवी युवाओं के द्वारा लगातार सोशल मीडिया फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ताजा मामला खनिया थाना के एक युवा के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फेसबुक पोस्ट की है। इस पोस्ट में सलमान खान चिश्ती नामक युवा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त हो गया है और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्वयंसेवक के द्वारा थाना खनिया थाना पहुंचकर एक आवेदन थाना प्रभारी तीमेश छारी को दिया। आवेदन में हिंदू संगठन के द्वारा बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जिसके करोड़ों स्वयंसेवक लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। इन दोनों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने से नगर का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब हो रहा है, अतः दोषियों पर कार्रवाई आवश्यक है। उचित कार्रवाई न होने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के द्वारा आंदोलन की स्थिति बन सकती है। भैया, आज खनिया थाना थाने में आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है ये? इसका जो मामला है कि उसने जो सलमान खान ने चिश्ती नाम का लड़का है, उसने क्या है कि पोस्ट डाली है फेसबुक पर, जिसमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है, सामाजिक समरसता का हिंदुवादी संगठन है, उसके खिलाफ उसकी जो संघ की जो गड़बेस है उसको चड्डी गैंग बोलकर ऐसा बताया गया है। जो चड्डी गैंग जो बताया गया है, इससे सभी स्वयंसेवक नाराज हैं और उस पर एफआईआर की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी कुछ ना कुछ अभद्र लिखने के लिए इनके खिलाफ तत्पर रहेंगे हमेशा। भैया, आपने जो अभी एक ज्ञापन दिया है खनिया थाना थाने में, क्या मामला है और किस बारे में आपने ज्ञापन दिया है? ये एक लड़का है, सलमान खान चिश्ती नाम का लड़का है, इसने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में अभद्र टिप्पणी की है फेसबुक पर, और ये लगातार इस तरह की उल्टी सीधी टिप्पणियां करता रहता है। और इसका हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि धार्मिक सौहार्द बिगड़े, ये लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, ऐसी बातें बोलता है जिससे कि संघ के लोग या बजरंग दल के लोग भड़क जाएं और आक्रामक हो जाएं, ये इसका हमेशा प्रयास रहता है। तो हमने यही यहाँ पर आवेदन दिया है कि इसके ऊपर एफआईआर की जाए, इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए ताकि इसको सबक मिले और ये भविष्य में इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करना बंद कर दे। अभी सुनील पुरोहित जी और अजय झा और सभी लोगों ने मिलकर एक आवेदन पत्र सलमान खान के विरुद्ध दिया है। उसने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की, उसकी हम जांच करा के बताने की कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा लगातार ऐसा देखने को आ रहा है कि फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संघ पे और भाजपा पे कटाक्ष हो रहे हैं खनिया थाना में विशेष तौर पर, तो इस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता हुई है सर। इसकी जांच करा के हम उचित कार्रवाई कराएंगे।